नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप सबके लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस कमोडिटी के अंदर मनी तेजी देखने को मिल पाएगी। तो नॉन एग्री कमोडिटी से शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, और नॉन एग्री कमोडिटीज में भी बात करेंगे यहाँ पे सोने और चांदी से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज सोना इस वक्त इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1792 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर $23 के आसपास कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि जो सोना है यानी कि जो गोल्ड है इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में आज $1800 के नीचे लुढ़क गया है। आपको बता दें कि बीते कारोबारी सत्र में अमेरिका के जो महंगाई दर निकल के सामने आई थी, महंगाई दर के जो आंकड़े निकल के सामने आए थे, उसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक उठापटक का माहौल देखने को मिला है और सोने चांदी की कीमतों में एक नरमी बनती हुई नज़र आई है। और कुछ फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ये जो टेपरिंग की बात की जा रही है उसकी वजह से भी सोने चांदी की कीमतों पर अभी हाल फिलहाल में एक उठापटक का माहौल जारी रह सकता है और कीमतों पर थोड़ा बहुत दबाव भी देखने को मिल सकता है, और वो दबाव हम आज सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ देख भी रहे हैं। इसे बात करें अगर कच्चे तेल की, तो देख रहे हैं कि WTI इस वक्त $72 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $75 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब से US के अंदर कच्चे तेल की जो प्रोडक्शन है उसमें एक जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर एक कच्चे तेल के जो उत्पादन है उनमें कमी देखने को मिली है, क्योंकि सुनने में आया है कि जो हरिकेन है एक और वो इम्पैक्ट कर रहा है वहाँ की कारोबार को, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि US के अंदर कच्चे तेल का उत्पादन यानी जो आउटपुट है उसके अंदर एक कमी देखने को मिली है, इन्वेंट्रीज के अंदर भी कमी देखने को मिली है। और दूसरा, 2022 में जो ओपेक है उसका अनुमान है कि 2022 तक कच्चे तेल की जो डिमांड है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और 2021 में जो डिमांड है एज इट इज़ रहेगी। इसकी वजह से जो मार्केट सेंटीमेंट्स है वो थोड़े पॉजिटिव बनते हुए नज़र आए हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि कॉपर लाल निशान पर है, 0.1% की गिरावट है कॉपर के अंदर आज इंटरनेशनल मार्केट में, और $4.3 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। कॉपर के बाद बात करें यहाँ से MCX की, तो MCX जिंक 253 पर है, 0.5% की गिरावट है, लाल निशान पर है। MCX निकल 1493 पर 0.5% की गिरावट है, और MCX लेड भी हल्की सी करेक्शन के साथ 187 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो बाज़ार है आज एक नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको बता दें कि हो सकता है कि आज इंट्राडे के अंदर बेस मेटल्स की जो बढ़त है वो थोड़ी बेस मेटल्स के अंदर थोड़ी बहुत बढ़त बनती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि ऐसी खबर निकल के सामने आई है कि चाइना में इंडस्ट्रियल आउटपुट जो रहा है अगस्त में उसमें 5.3% की तेज़ी देखने को मिली है, और कॉपर जिसकी वजह से जिंक में हल्की बढ़त दर्ज की गई थी, और आज भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि इस खबर के चलते थोड़ी बहुत बेस मेटल्स के बाज़ार में हल्की सी बढ़त देखने को मिले। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। फ़िलहाल सिलसिला बाज़ार का मैं बस इतना ही। नमस्कार।